आज देश में एक नया इतिहास बनने वाला है। देश की 15वीं राष्ट्रपति जी का थोड़े ही समय के बाद विधिवत रूप में घोषणा हो जाएगी। किसी के मन में संदेह नहीं है, हमारी देश की समाज की एकदम सामान्य घर से आने वाली, आदिवासी परिवार से आने वाली, हमारे ओडिशा की मयूरभंज जिले की एक आदिवासी परिवार की बेटी आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी कुछ घंटों के बाद देश की 15वीं राष्ट्रपति जी के नाम पे चुने जाएंगे। देश भर में समाज की वंचित वर्गों के मन में, आदिवासियों के मन में, महिलाओं के मन में और हमारे समूचा पूर्व भारत में और उड़ीसा जैसे प्रांत में अनेक खुशी है कि पहली बार प्रजातंत्र का सही मायना सामने आ रहा है। एक इस प्रकार की पृष्ठभूमि की जननेत्री, सामाजिक कार्यकर्ता आज देश की सर्वोच्च स्थान पे पहुंचेगी, यही हमारी देश की प्रजातंत्र की उपलब्धि है। मैं इसके लिए देश की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एनडीए की तमाम नेतृत्व और महाप्रभु जगन्नाथ जी को आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने द्रौपदी जी को ये अवसर दिया, द्रौपदी जी के साथ खड़े रहे और आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी अभी राष्ट्रपति बनना तय है। एक तो उसकी 2-3 महीने में मानता हूँ, उड़ीसा के लिए तो ना भूत तो ना भविष्य, इस प्रकार की एक निर्णय उड़ीसा के लिए हुई है, हमारे लिए उड़िया के नाते एक बहुत गर्व की विषय है। और हम तो द्रौपदी जी के साथ 2000 में इकट्ठा उड़ीसा विधानसभा में चुन के आए थे, उनके साथ हमारी एक उनको नजदीक से देखने का हमें अवसर मिला है। उनके मन में जो संवेदनशीलता है, उनके मन में जो कर्तव्य बोध है, उनके मन में विशेष करके गरीबों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, महिलाओं के प्रति जो संवेदना है, यह हमने उनको निकट से दिखा है। वैसे ही देश की 50% आबादी महिलाओं की है, उस समाज से, उस वर्ग से और इस पृष्ठभूमि की इस वर्ग महिलाओं को चुन के लाना, यह अपने आप में देश में एक नई इतिहास हो रहा है। निश्चित रूप में आदिवासी समाज की एक अत्यंत गौरव की विषय होगी, क्योंकि आजादी में भगवान बिरसा मुंडा जी का, हमारी जैसे प्रांतों में सिद्धो कानो, लक्ष्मण नायक, माधो सिंह जैसे अनेक जनजाति वीरों की, आदिवासी वीरों की बलिदान था। ये सारे महापुरुषों की आज आत्मा को आज संतुष्टि होगी, उनको शांति मिलेगी, उन्हीं की समाज की एक जननेत्री आज देश की राष्ट्रपति होगी।